गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप घर बैठे अपने फोन से वोटर आईडी कार्ड यानी इलेक्शन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना और इस वीडियो को एक लाइक करना। इसके लिए दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है वोटर हेल्पलाइन। वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप इसमें रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके का आएगा और यहाँ पर कलर में एक ऑप्शन मिलेगा ईपिक का, इस पर आप क्लिक करोगे। ईपिक के क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको यस आई हैव ईपिक नंबर आएगा, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना एलसीएफ जो है वो लिखना है। एलसीएफ लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्टेट जो है वो सिलेक्ट करना होगा, जो आपका स्टेट होगा। जैसे हम यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करते हैं, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फेच डिटेल्स पे क्लिक करना होगा। फेच डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके नंबर पे ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी आप यहाँ पे एंटर करोगे। ये खेल करने के बाद दोस्तों वेरीफाई एंड डाउनलोड ईपिक पे क्लिक करोगे तो आपका जो वोटर आईडी है वो आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। इस तरीके का आपका वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका वोटर आईडी कुछ इस